बहुत से फार्मर इन न्यूट्रिएंट की तरफ नहीं जाते हैं, तो मैं इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ कि महंगे फार्मर ज़्यादा खर्चा अपना यूरिया को देता है। ज़्यादा यूरिया देने से फसल में उत्पादन नहीं आएगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन बैलेंस से होगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से होगा, वाटर मैनेजमेंट से होगा। ज़्यादा आप क्रॉप के ऊपर फंगीसाइड के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉप के ऊपर न्यूट्रिएंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा खर्चा भी नहीं खाता, मोस्टली न्यूट्रिएंट 300-400 रुपए में पूरे हो जाते हैं आपकी क्रॉप के। भाइयों नमस्कार, मैं प्रकट सिंह फार्मिंग मूड से। चैनल ये नया है, हिंदी मीडियम एग्रीकल्चर वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं, और आप काफ़ी अलग अलग क्रॉप्स के बारे में यहाँ वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते रहते हैं। और ये मेरा खेत है गेहूँ का, जो हैप्पी सीडर से बिजाई हुआ है। बिजाई होते समय भी मैंने एक वीडियो के द्वारा आपको अवगत किया था कि कैसे बिजाई हुआ, कितना सीड डला, क्या सीड की वैरायटी यूज़ की गई है। लेकिन अभी हमारा समय चल रहा है कि गेहूं को दूसरा पानी लग रहा है। बहुत से किसानों को ये समस्या रहती है कि उनके नदीन कंट्रोल नहीं होते, उसमें गेहूं के अलावा जो अलग से उसमें गुल्ली डंडा है, चौड़ी पत्ती का नदीन है, छोटी पत्ती का नदीन है, वो ज़्यादा है। तो उसके रिगार्डिंग भी पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपका प्लांट, गेहूँ का प्लांट टिलरिंग स्टेज को छोड़ के हेडिंग स्टेज की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसके बीच में गेहूं के प्लांट को सपोर्टिंग नोड बनती हैं। जो पहली नोड बनती है वो 48 डेज से शुरू हो जाता है, कई वैराइटीज़ में 45 और कई वैराइटीज़ में तो ये 55 डेज पे भी चला जाता है। उस टाइम एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए। और अगर आपकी गेहूँ की टाइमिंग अक्टूबर की सोइंग है तो सम टाइम जो कुछ वैराइटीज़ के ऊपर हार्मोन भी रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत काफ़ी हद तक सहमत नहीं होता कि अगर आपके खेत की रुचि के हिसाब से, आपके खेत के सिस्टम के हिसाब से, सोयल टेस्टिंग के हिसाब से, आपके जो सोर्सेज हैं, यहाँ आपके पास वाटर सोर्स है, आपकी सोयल की हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं क्या आपको डालना चाहिए क्या आपको नहीं डालना चाहिए। उन हार्मोन की तरफ मेरा ध्यान कम रहता है, मेरा ध्यान सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर रहता है कि प्लांट को जिंक भी चाहिए तो हम जिंक क्यों नहीं दे रहे, प्लांट को मैंगनीज भी चाहिए तो हम मैंगनीज क्यों नहीं दे रहे, हम नदीन नाशक, अगर नदीन हमारे खेत में नहीं है हम नदीन नाशक को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूट्रिशन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है ये फूड क्रॉप है, ये कोई ऑयल सीड नहीं है या कोई ये कैश क्रॉप नहीं है, ये इसको पूरा खाया जाता है, इसके भूसे को भी पशुओं द्वारा खाया जाता है और इसके दाने से भी चपाती बनती है, आटा बनता है। तो इसमें जितना हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, बोरॉन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, मैग्नीशियम मैंगनीज दे सकते हैं, तो पूरा वो हमारी क्रॉप में भी जाएगा। बहुत से फार्मर इन न्यूट्रिएंट की तरफ नहीं जाते हैं, तो मैं इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ कि मैंगनीज की डेफिशिएंसी के ये लक्षण हैं। अगर आपकी क्रॉप के ऊपर दिखाई दे रही है, ये दो बार आपकी फसल में दिखाई देता है, एक तो जब पहले पानी के लगने के जस्ट बाद, अगर आप 30 दिन में पहला पानी लगा रहे हो, इसके ऊपर भी वीडियो बन गई है कि पहला पानी कब लगाना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन मोस्टली फार्मर के वीडियो वो सही नहीं है। पहला पानी देना ही चाहिए, कब देना चाहिए, कितने दिन पे देना चाहिए, ऐसे बहुत से सवालों में आपको पजल कर रखा है। तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी दो बार आती है, जब आपका पेनिकल इनिशिएशन होता है, लास्ट फ्लैग लीफ आपका निकल आता है, तो उसके ऊपर प्लांट का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि उसको अच्छे से ऐसा तैयार करना है, अच्छे जैसा न्यूट्रिशन देना है, अच्छे जैसा लीफ सर्फेस एरिया डिवेलप करना है। तो क्योंकि लास्ट में जब पूरे प्लांट का फूड इसके फ्रूट में जाएगा, इसके पेनिकल में जाएगा, ग्रेन में जाएगा, कन्वर्ट होगा मिल्क में, तो रिपिंग स्टेज तक जितना भी फूड बनता रहेगा वो पूरा ग्रेन में जाएगा। तो वो फूड बनाने के लिए प्लांट का फोकस रहता है कि जो लास्ट फ्लैग लीफ होगा उसको मैंने अच्छे से तैयार करना है और फंगस से मुक्त रखना है। तो लेकिन वो तभी हो पाएगा, उसकी इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी तभी होगी जब मोस्टली न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल गए होंगे टाइमली, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट है लेकिन बनता तो सबसे सैप है, सबसे उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही इफ़ेक्ट होती है, लेकिन मेन बात जो प्लांट में एंजाइम एक्टिवेटर का काम करते हैं, प्लांट में एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अगर उनकी कमी पाई जाती है तो बहुत सी खुराक, बहुत सी हेल्थी न्यूट्रिएंट या हेल्थी एंजाइम बनने के बाद भी प्लांट में घूम नहीं पाते, वो प्लांट को सर्कुलेट नहीं हो पाते प्लांट में। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, प्लांट में मैंगनीज की कमी है तो पूरी कर लें,
प्लांट में जिंक की कमी है, उसके लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, तो उसको भी पूरा कर लें। काफ़ी सोर्सेज आपके मार्केट में है, लिक्विड जिंक है, चिलेटेड जिंक है, जिंक सल्फेट है, सबकी डोज भी अलग अलग है, आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में मल्टी न्यूट्रिएंट NPK भी आ गए हैं, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंने मोस्टली जो फार्मर में बीच रह के, खुद भी फार्मर हूँ, जो फार्मर डिबेट चलती हैं, फार्मर मीटिंग चलती हैं, फार्मर फेयर होते हैं, एग्रीकल्चर इवेंट होते हैं, वहाँ पे भी जाके एक चीज़ को मैंने नोट किया है कि फार्मर ज़्यादा खर्चा अपना यूरियो को देता है। ज़्यादा यूरिया देने से फसल में उत्पादन नहीं आएगा ज़्यादा, न्यूट्रिशन बैलेंस से होगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से होगा, वाटर मैनेजमेंट से होगा। ज़्यादा आप क्रॉप के ऊपर, फंगीसाइड के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉप के ऊपर न्यूट्रिएंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये ज़्यादा खर्चा भी नहीं खाता, मोस्टली न्यूट्रिएंट 300-400 रुपए में पूरे हो जाते हैं आपकी क्रॉप के। लेकिन क्या रहता है कि जो मेन आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK इसको चाहिए, वो आप इनबैलेंस रखते हो, पोटाश की कमी है, पोटाश नहीं देते, पोटाश की कमी ना होने की वजह से भी आप पोटाश देते रहते हो, फास्फोरस की कमी नहीं है, फास्फोरस आप बहुत ज़्यादा ओवर डालते रहते हो, नाइट्रोजन की बहुत नॉर्मल नीड है आपको, 100 kg पर एकड़ चाहिए, तो वो भी आप 200 kg या 150 kg देते हैं आप, तो उसकी वजह से जो इनबैलेंसड NPK है, तो प्लांट की हाइट भी बढ़ा सकता है, प्लांट में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी बढ़ा सकता है, तो प्लांट में वो ग्रेन में अच्छी क्वालिटी में कोई ज़्यादा बढ़िया योगदान नहीं देगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि जिसकी कमी आपके खेत में लग रही है, तो उस टाइमली उगने से, कणक की बिजाई से लगभग 60 दिन में ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पूरी कर लीजिए। तो आपकी गेहूं आपने घर पे भी रखनी है, मंडी में भी देनी है, और ये सिर्फ खाने के लिए ही यूज़ होनी है, पशु भी इसको खाते हैं, मनुष्य भी खाता है, तो जितना भी इसमें अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगा तो वही आपकी खुराक में वो कन्वर्ट पड़ेगा। नेचर हमारे बीच चलती है, एक रॉ फॉर्म है जिसको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, मैंगनीज को हम डायरेक्टली, जहाँ आजकल तो वैसे ये गोलियाँ, टीके, कैप्सूल वगैरह सब बनने लग गया, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है, नेचर के पाथ द्वारा आप तक पहुँची है, बायोलॉजिकली जो डिग्रेडेबल है, जो फूड के तौर पर कुदरत ने आपके लिए तैयार किया है, तो वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो आगे भी आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहेगी, और जो भी आपका कोई ख़ास सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसकी नई वीडियो देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।